गाड़ी को पार्किंग से निकालना भी एक टास्क है भाई, बहुत ही चौड़ी गाड़ी है। दो तीन बार निकालूंगा ना, आदत हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉगर्स में। तो गाइस, सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट वीडियो में इतना प्यार दिखाया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और इतने सारे व्यूज़ आए, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम बाद ये वीडियो, मतलब अपना ब्लॉग चैनल कंटिन्यू किया था, इसमें एक बहुत टाइम से वीडियोज़ नहीं आ रही थी और मैंने दो दिन पहले प्रॉपर एक अच्छा ब्लॉग डाला अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते हुए, तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। एंड जो हमारी ये हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, हम फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऊपर आई बटन में मैं अपनी लास्ट वीडियो की लिंक दूंगा, जाके ज़रूर देखना और प्लीज़ जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये है कि ये शोरूम से फ़ोन आ गया, हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट आ गई है, तो सबसे पहले जाके तो नंबर प्लेट लगवाते हैं। उसके बाद थोड़े से प्लान्स ये हैं कि गाड़ी में थोड़ा बहुत काम कराना है, थोड़ी बहुत एसेसरीज लगवानी है, तो दो तीन चीज़ें दिमाग में हैं, बाकी दुकान पर जाके देखते हैं क्या क्या और लगवा सकते हैं, क्या क्या हमारे बजट में आता है और क्या क्या ज़रूरी है लगवाना। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो देखना, बहुत सारा प्यार देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो गाइस, फाइनली नंबर प्लेट हमारी गाड़ी में लग गई है और यार एक तो गाड़ी के अंदर बैठ के फील इतनी बढ़िया आती है ना, ऐसे इतना ऊंचा ऊंचा लगता है जैसे ट्रक या बस में बैठे हो, बट ठीक है, बहुत अच्छी फील है, बहुत रॉयल फील है, चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड पावर यार बहुत इनसेन है गाड़ी में, बहुत इनसेन है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गाड़ी 4x2 है, रियर व्हील ड्राइव है तो इतनी पावर नहीं देगी, बट भाई इनसेन पावर है, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। तो गाइज, अभी मेरी गाड़ी अराउंड 221 किलोमीटर चली है एंड इसमें ही गाड़ी मेरे को 13.3 की एवरेज दिखा रही है, तो अब इमेजिन कर सकते हो कि गाड़ी की एक बार सर्विस हो जाएगी, गाड़ी थोड़ी खुल जाएगी, दो तीन बार हाईवे पे जाएगी तो कितनी सही एवरेज देने वाली है यार। तो गाइज, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो कि 11 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे, जो इसका प्राइस पॉइंट है, उस पर कितनी वर्थ है गाड़ी, मतलब 11 लाख एक्स शोरूम में आप ये गाड़ी लोगे कि नहीं लोगे। तो डीजल भी कम हो रहा है यार, गाड़ी में डीजल डलवा लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर अपने अगले काम पे चलते हैं। तो गाइस, फाइनली डीजल डलवाने के बाद हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में काम करवाने। दो तीन चीज़ें दिमाग में है, जैसे तो एक तो डोर हिंजेस लगवाने हैं, जो जब लगेंगे मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं। एक ना ग्रैब रेल्स लगवानी है, वो ग्रैब हैंडल्स लगवाने हैं, ग्रैब रेल्स ग्रैब हैंडल्स लगवाने हैं, तो वो भी लगेंगे, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको ग्रैब हैंडल्स क्या होते हैं। तो ये दो चीज़ें तो अभी दिमाग में है, बाकी लाइट्स वगैरह का भी मूड है, लेकिन देखते हैं, शॉप पे जाके देखते हैं क्या समझ आता है क्या नहीं आता, तो उसी हिसाब से लगवाएंगे। सो गाइस, फाइनली डोर हिंजेस लग गए हैं, ये दोनों साइड लगे हैं एंड इसका यूज़ क्या होता है, ये ऐसे खुल जाते हैं एंड आप इस पर स्टेप अप करके ऊपर आपने कैरियर लगवा के कुछ सामान रखना हो, कुछ साफ सफाई करनी हो या खड़े होकर फोटो खिंचवानी हो, तो ये उस चीज़ के लिए होता है। बाकी ब्लैक कलर पे रेड कलर अच्छा बहुत लगता है,
इसलिए मैंने ये इंस्टॉल करवा लिया। तो ये ऐसे बंद हो जाता है एंड ये दोनों साइड लगे एंड कुछ ऐसी लुक आती है इसकी। तो गाइस डोर हिंजेस के बाद यहाँ लग चुके हैं डोर वाइजर्स, लुक थोड़ी एनहेंस हो जाती है इससे ना। विंड वाइजर्स के बाद हमने ये कर्टन्स लगवाए हैं, हमें विंडो भी टिंट करवानी थी बट उनके पास आज लड़का अवेलेबल नहीं था इसलिए विंडो टिंट नहीं हो पाई। तो हमें यहाँ पे ग्रैब रेल्स भी लगवाने थे दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, लेकिन उनके पास ना वो दूसरे वाला पुराने वाला मॉडल अवेलेबल था जिसमें यहाँ पे ड्रिल करके ना छेद करना पड़ता, तो इसलिए मैंने वो लगवाई नहीं यार। मैं ड्रिल करवाने के प्रेफरेंस में नहीं हूँ, अभी नई गाड़ी है तो ऐसा रिस्क क्यों लेना। तो इसका एक नया मॉडल भी आता है जिसमें ड्रिल करने की नीड नहीं होती, तो वो मैंने मंगवाया है, वो मे बी सैटरडे या संडे तक आ जाएंगे, तो उसके बाद हम वो चीज़ इंस्टॉल करवा लेंगे। और हमने बहुत सारे हेडलाइट्स वगैरह के ऑप्शन भी देखे हैं, तो एक बार घर जाके डिसाइड करेंगे फिर लगवाएंगे। तो आज अभी इतना ही मॉडिफिकेशन करवाया है, अब हमें सैटरडे या संडे दोबारा जाना है, बाकी का सारा काम तब होगा, तो वो आगे आने वाली दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की मॉडिफिकेशन आपको आने वाली वीडियोस में दिख जाएगी। आज ज़्यादा काम हो नहीं पाया बट इट्स ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से शेयर भी कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय बाय बाय।